Hi everyone, my name is Deepak Gupta. In this video, I'm going to explain you what is the difference between a string buffer and a string builder class in Java, right? Very, very important for the interview purpose. बहुत बार पूछा गया ये questions, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं difference. हम इसमें basically string buffer class क्या होता है, string builder class क्या होता है? हम लोगों ने practical discuss किया. इसके कितने methods होते हैं? One by one we have done in the previous video. अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए बात करते हैं डिफरेंस. तो स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग बफर क्लास का पहला पॉइंट है कि स्ट्रिंग बफर क्लास प्री डिफाइंड क्लास है और ये फाइनल क्लास होता है जावा के अंदर. स्ट्रिंग बिल्डर क्लास भी आपका प्री डिफाइंड फाइनल क्लास होता है जावा में, याद रखिएगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट है स्ट्रिंग बफर क्लास जो होता है ना, बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया है जेडीके वर्जन 1.0 में, बट आपका स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज इंट्रोड्यूस इन जेडीके वर्जन 1.5 में. क्लियर पॉइंट. थर्ड पॉइंट, स्ट्रिंग बफर स्टोर्ड इन द हीप मेमोरी और स्ट्रिंग बिल्डर भी हीप मेमोरी में स्टोर होता है. क्यों? न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इसका, ठीक है? क्लियर है. एंड फोर्थ पॉइंट है मुटेबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मतलब आप मुटेबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो किसके अंदर, स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर. मतलब आप जो स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, सेम एज आप स्ट्रिंग बिल्डर में कर सकते हो, ठीक है ना? दोनों सेम है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्यूपाई लेस मेमोरी, आपका जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो भी कम मेमोरी लेता है. क्यों? न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट जो आपका एक ही बार जो स्टोर करता है, एक ही बार ऑब्जेक्ट एरिया जो होता है मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना? नंबर सिक्स पॉइंट, स्ट्रिंग बफर क्लास इज सिंक्रोनाइज्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इस स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर जितने मेथड्स होते हैं ना, वो सारे सिंक्रोनाइज्ड मेथड है, मतलब कि एक टाइम पे एक ही मेथड को कॉल कर सकते हैं ना, तो ये होता है. और आपका जो स्ट्रिंग बिल्डर में होता है, ये होता है आपका नॉन सिंक्रोनाइज्ड क्लास. तो इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर जितने मेथड्स है ना नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब ये थ्रेड सेफ नहीं है, मतलब एक टाइम पे एक से ज्यादा मेथड्स को आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना? सेकेंड पॉइंट देखो, नेक्स्ट सेवन पॉइंट है इट इज थ्रेड सेफ, मतलब एक टाइम पे एक ही मेथड कॉल होगा इसके अंदर, ठीक है? तो ये तो थ्रेड सेफ है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा. आपका जो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास होता है वो थ्रेड सेफ नहीं होता है, ठीक है ना? क्योंकि एक टाइम पे आप मल्टीपल मेथड्स को कॉल कर सकते हो. क्लियर है. नंबर एट पॉइंट मैंने लिखा नहीं, बता देता हूँ. परफॉर्मेंस वाइज जो होता है ना आपका स्ट्रिंग बफर क्लास जो होता है स्लो होता है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास परफॉर्मेंस वाइज फास्ट होता है क्योंकि मल्टीपल मेथड्स एक टाइम पे आप कॉल कर सकते हो, मल्टीपल थ्रेड को एक साथ आप चला सकते हो, कॉल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. क्लियर एंड पॉइंट. तो ये डिफरेंस है, ये पूछा जाता है, ठीक है? और इसको हम प्रैक्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, हीप मेमोरी क्या होता है, सीपी मेमोरी क्या होता है, हम स्ट्रिंग चैप्टर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है? अगर जहाँ आपका छूट गया था प्रीवियस लेक्चर देख लो, स्ट्रिंग क्लास का जो भी हमने कवर किया है वीडियोस, उसको आप एक बार देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, राइट? ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ये बेसिकली पूछा जाता है पॉइंट वाइज, इसको नोट कर लो. नोट करके थोड़ा सा याद रखो, कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे जावा की प्रोफाइल पे तो आपसे पूछा जा सकता है. क्लियर है पॉइंट, डन. और भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस होता है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो, ठीक है? क्लियर है. तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.